जय भोलेनाथ। तो गाइस बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहां से गाड़ी से उतरे और सीधा ये पैदल मार्ग फुट ट्रैक यहां से स्टार्ट होता है हमारा पैदल बाबा केदारनाथ जी का रास्ता। तो अपनी यात्रा को आज यहां से शुरू करते हैं। भोले का नाम लेकर जय शिव शंकर कर जय। अब बात करता हूं मैं पीछे की के ई पास नहीं था तो यहां तक कैसे आए। ई पास के बगैर भैया हम आए ऐसे हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी ली होगी मेरी, सोन प्रयाग तक हम मतलब बैरिकेड्स तोड़ फोड़ के मतलब जैसे भी करके आपने वीडियो में देखा ऐसे आए हैं। ई पास नहीं था। अच्छा दूसरा फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई हमारे साथ क्रिएट, कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR थी वो हमारी तीन दिन यहाँ पे 3 दिन तक वैलिड होती है, उसको 3 दिन पूरे हो चुके थे तो वहाँ पे नहीं चली। तो यहीं पे साथ के साथ रैपिड टेस्ट हुआ और वो चल गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा सवेरे 8 बजे और अभी टाइम हुआ है 12:30 का, अभी हमें यहाँ से छोड़ दिया गया है। जय भोलेनाथ। तो गाइस जो ये चेक पोस्ट है पहली चेक पोस्ट है और यहाँ ई पास चेक हुआ, जो हमें ई पास मिला था वो यहीं पर जमा करा दिया गया। इससे आगे ये बोल रहे हैं कि चेक नहीं होगा तो बढ़िया है, चलते हैं अब आगे। घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड केदारनाथ धाम यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये घोड़े खच्चरों का निर्धारित रेट है 2500 रुपये सोन प्रयाग से बेस कैंप केदारनाथ पर। भीमबली बेस कैंप केदारनाथ 1200 रुपये। आज एक खूबसूरत सा झरना है, क्या खूबसूरती है, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, गोप्रो गिलन हो गए इसलिए बिल्कुल ठंडा होगा। चिल्ड है गज। केदारनाथ रह गया यहाँ से 13.5 किलोमीटर। हवा बहुत ठंडी है पर महसूस नहीं हो रही ठंडी हवा, क्योंकि पसीना एकदम पर चढ़ने में दम फूल रहा है। बाकी ये कुछ मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट है, ये दिखाई दे रहा आप लोगों को सामने का नज़ारा, ये देखिए जन्नत है जन्नत। वैसे नहीं इतनी दुनिया यहाँ आती है भाई साहब। हमने ना यहाँ फोटो शोटो लिए, वो सामने जब तो गोल्डी देखो दिखाई दे रहा हूँ, शायद वो कहाँ पहुँच गया, कहाँ है वो खड़ा होता है। एक मिनट आ रहे अभी रुक, एक फोटो खींच रहे। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई बहुत ही मतलब मजा आ रहा है, दिल से ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाग के चढ़ जाए, बट क्या करें चढ़ने की चढ़ नहीं पाएंगे चढ़ने की हिम्मत नहीं है। ठीक है बहुत से यात्री घोड़ों पे आते हैं यहाँ पे। जय भोलेनाथ। जय बाबा की। भैरव मंदिर चीरबासा, एक भैरव मंदिर यहाँ भी है चीरबासा में, रास्ता है कोई चीरबासा करके जगह। जय भैरवनाथ। जय भैरवनाथ अल्टीमेट जगह है। दिख रहा झरना पानी का, और ऐसी खूबसूरती हो फिर कहाँ थकावट होगी। वैसे थक चुके हैं पर जब ये इस तरह की खूबसूरती दिखाई देती है ना सारी थकावट खत्म।
भाई ज़्यादा रास्ता भी नहीं आया है, बारिश आ गई है, शेल्टर के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ का सीन ऐसा है, बारिश आई हुई है इसलिए चल नहीं रहे हैं। मिल गया था भाई, चलो बारिश आ गई भाई। एक घंटे से यहीं बैठे हैं, बारिश रुकी नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। फिलहाल एकदम से मतलब आधे घंटे में मौसम पलट गया, दिखाऊं जरा अगर दिखाई दे तो आप लोगों को। बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा है, एकदम से करवट बदल गया। क्यों भाई? हाँ भाई, सोचा जब तक डाटा वाटा ट्रांसफ़र कर ले, एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अगर होगी तो। चाय मंगाई है, दो चाय पी गए बैठे बैठे। तो गाइस हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच फिर से चुबारा चल पड़े हैं। अब रेनकोट बीच में डाल रहे हैं भाई, रेनकोट पहन ले यार। और सीन कुछ इस तरह का हो गया बारिश के बाद। नजारे ओए, ऊपर धूप निकल गई भाई। जय भोलेनाथ। ये देखो सारे घोड़े पे आ रहे हैं। श्री केदारनाथ यहाँ से 12 किलोमीटर, भीमबली 2 किलोमीटर, रुद्रफाल 0.20, और सामने देख लो ये मेरे ख्याल से चौथा पांचवा झरना होगा। ऊपर का नज़ारा भाई। शाम के 6 बज गए, सामने आपको ये झरना शायद दिखाई दे रहा होगा। वैसे इसका शोर जबरदस्त है। यहाँ से केदारनाथ रह गया 9.5 किलोमीटर। ये जो फ्लाईओवर आप लोगों को दिखाई दे रहा लोहे का, इसके बाद बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। चलो भैया, इसके बाद ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सामने दिखाता हूँ आप लोगों को। और हमारा एक साथी विशाल था, वो चल नहीं पाया, 6 किलोमीटर चलने के बाद उसने घोड़ा ले लिया, तो वो घोड़े पे बैठ के चला गया। अब कुछ और डिफिकल्ट होने वाला हमारे साथ। जय भोलेनाथ। और मेरे ख्याल से 10 से 11 के बीच में हम पहुंचेंगे वहां पे ऊपर। चल रहे हैं धीरे धीरे, मौसम दिखाऊं आपका, 6 बजे के करीब, और ये देख लो मौसम अल्टीमेट है, अल्टीमेट। आगे तो पता नहीं अंधेरा ही होगा। क्यों भाई वर्मा जी? पूरा सुहाना। जय भोलेनाथ। जय बाबा की। जय बाबा की। यहाँ पीछे से भी भयंकर शोर है पानी का, सुनाई दे रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ केदारनाथ, वैष्णो देवी मैं इस साल में 4 बार जा चुका हूँ, मगर ये वैष्णो देवी से डबल डिफिकल्ट है। वैष्णो देवी की इजीली हो जाती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है केदारनाथ की। और जो ये लोहे का पुल दिख रहा है ना आप लोगों को, इससे ऊपर तो बिल्कुल यूं करके खड़ी चढ़ाई है। सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को भी। पानी का शोर सुन के ही धड़कन तेज हो जाती है। वो देखो कहाँ पहुँच गया गोल्डी। भोलेनाथ अपने साथ। ये 9.5 किलोमीटर की चढ़ाई भी हो जाएगी, 10 से 11 बज जाएंगे। मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, यार पीछे आ जाओ, बना कर रहे हैं जबरदस्त ठंडा, जबरदस्त। हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अंदर पसीना, लेकिन जैसे ही रुक जाते हैं ना, 1 मिनट के अंदर इतनी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। बहुत माइनस में टेम्परेचर, मेरे ख्याल से तो 2 से 3 टेम्परेचर होगा, इससे ऊपर नहीं होगा।
उधर आपको शायद रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन जिधर हमें जाना उधर देखने का है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। चलते हैं आगे। जन्नत है जन्नत। एक चीज दिखाऊंगा आज, यहाँ से जाके ऐसे ऐसे करके ये दिख रहा है आपको खड़ी चढ़ाई, और फिर वो देखो ऊपर, वहां से होके जोर जाना हमें। ये पुल तो हिल रहा है, हिल रहा है ना? हाँ हिल रहा है, बहुत हिल रहा है। ये पुल हिल रहा है, महसूस हिल रहा है ना? हिल रहा है। चलो चलते हैं आगे। जय बाबा केदारनाथ, जय भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान की जय। तो गाइज रात को पहुंचे हम यहाँ पे 9:30 बजे, बहुत लेट हो गए थे, ठंड बहुत ज़बरदस्त थी, बारिश हो रही थी और मैं तो बिल्कुल कांप रहा था। और यहाँ आने के बाद हमें मिला, दिखाऊं मैं आप लोगों को, केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले जहाँ पे ये घोड़े खच्चर छोड़ देते हैं वहाँ पे टेंट लगे हुए इस तरह के, ये देखो हमें ये टेंट मिला। अंदर से शायद ना दिखाई दे, लेकिन ये 4 बंदों का है, 150 रुपये पर हेड। तो ठीक है, 150-150 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिक्कत एक है, इसमें लाइट नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ऊपर आओगे कहीं भी लाइट नहीं मिलेगी, फ़ोन चार्ज करने के लिए या कुछ, वो तो शुक्र है पावर बैंक था। बाकी रात को आते ठंड, यहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। गर्म पानी ले रखा है, वो रखा सामने, दिखाई दे रहा हूँ आपको जग में। यहाँ गर्म पानी से मुँह धोया है फिलहाल, कोलगेट करते हैं अभी। और कुछ सामने का नज़ारा देखिए आप, यहीं पर जाना अभी हमें 2 किलोमीटर ऊपर बाबा केदारनाथ के द्वार पर। बाकी खाना यहाँ मैं बताऊँ बहुत कॉस्टली है। हमने रात को मिली 4 रोटी, 1 कटोरी दाल 150 रुपये की, और रोटी ऐसी ऐसी थी, मतलब बहुत पतली पतली रोटी थी, पेट नहीं भरा क्योंकि उसका आटा भी ख़त्म हो गया रोटी वाले का, लेट आए यहाँ पे, कुछ भी नहीं था कुछ भी। अब थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके निकल रहे हैं नहा धो के बाबा केदारनाथ की तरफ, अल्टीमेट नज़ारा। बाकी देख लो मॉर्निंग व्यू यार, यहाँ लेते थे रात को, ये हमारा टेंट है, कुछ इस तरह का नज़ारा है। ठंड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मैं बताऊँ आप लोगों को, रात को मैंने जैकेट भी नहीं निकाली, यही पहन के सोया मैं, इतनी ठंड थी। गर्म पानी की बोतल ली, उसको अपने पास रखा, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे, थोड़ी बहुत देर में मिलते हैं अब आगे। तो भाई चल पड़े हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ, मेरे को सामने यहाँ से दिखाई दे रहा है, शायद कैमरा कैप्चर ना कर पाए, लेकिन यहाँ से बिल्कुल मेरे सामने केदारनाथ मंदिर मुझे दिखाई देने लग गया है। ठंड हो गई बड़ी ज़बरदस्त, पीछे हेलीकॉप्टर आ गया, ये देखो हेलीकॉप्टर से भी जाया जाता है यहाँ पे। अच्छा गाइस, ये सामने जियो का टावर है, जियो का नेटवर्क है, यहीं से फ्री वाईफाई मिलता है यहाँ पे, और नेटवर्क भी जियो का ही है। एयरटेल का भी बहुत कम है, लेकिन जियो का नेटवर्क ऊपर केदारनाथ पे ठीक है। तो आए तो जियो का सिम या एयरटेल का, दोनों में से कोई भी ला सकते हो आप। श्री केदारनाथ धाम आगमन पर नगर पंचायत केदारनाथ आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय भोलेनाथ। अब यहाँ से पैड़ियाँ शुरू हो गई है, जय भोलेनाथ। भाई सामने मंदिर जैसे दिखाई दे रहा है, थकान खत्म होती जा रही है, कोशिश तो है। पूरे रास्ते में पैड़ियाँ हैं, लेकिन सामने मंदिर को देख के महसूस ही नहीं हो रहा।
से त्रासदी आई थी ऊपर से, वहाँ से पूरा पानी बह के आया था पूरे मलबे के साथ, और सीधा इधर से ऐसे आया था, सब कुछ बहा के ले गया था यहाँ से। वहाँ से श्रद्धालुओं की लाइन लगी है, वहाँ से एंट्री करते हैं, इधर से घुसते हैं और यहाँ से निकलते हैं अंदर से दर्शन करके। और इधर का कुछ व्यू देखो, यहाँ पे भंडारा वगैरह भी चलता है, भंडारा चलता रहता है यहाँ पे। जय केदारनाथ। लग चुके हैं गाइस लाइन में दर्शन करने के लिए, बड़ी जल्दी जल्दी नंबर आ रहा है, मैं काट रहा हूँ। ये देखो मेरा नंबर आ चुका है, इससे बहुत काफ़ी लंबी लाइन है। आ गया वो, इसको बोला मैं कैमरा चालू रखता हूँ, नहीं कैमरा यार बंद रख दे, नहीं कम बंद ही कर देते हैं, ठीक नहीं है, अच्छी बात, जब इंस्ट्रक्शन दे रखे कैमरा बंद तो बंद ही कर देते तो गाइस बाबा केदारनाथ जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आराम से, एक मिनट तो नहीं कह सकता लेकिन मैं खड़ा हुआ, बहुत प्यार से दर्शन हुए हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है कि जिस तरह पहले करते होंगे ज़्यादा रश होने के कारण, फिलहाल इतना रश नहीं है यहाँ पे। ई पास को लेके इसलिए कुछ गाइडलाइंस है, उनका पालन करना पड़ता है, मास्क वगैरह हर टाइम लगा के रहना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा अब हम यहाँ पर जा रहे हैं कुंड में, वहाँ से जल लेके आना है, मेरे को पता नहीं है आज के किसी से जाता हूँ वहाँ पर। राजे मंदिर के पीछे ना अमृत कुंड है, यहाँ से जल लिया जाता है, जो आप प्रसाद लेते हैं ना उसमें ये बोतल मिलती है, ये अमृत कुंड है, इसमें से जल लिया। जय भोलेनाथ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलते हैं अब अपना घर की तरफ, घर नहीं तो फिर मैं देखेंगे आज का अगला प्लान क्या होगा, सच तो ये है। जय बाबा केदारनाथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।